हेलो गाइस, आज आपको बताऊंगी बोल्ड काजल लुक आप कैसे बना सकते हो। तो ये मैंने ADS का काजल दिया, लिंक वगैरह मेरे बारे में आपको मिल जाएगा आगे जाकर भी। मैं एंड ऑफ द वीडियो भी आपको सारा डिटेल इसका बता दूंगी। तो सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेच करके अपनी आईज़ को ना, अपनी आँखों को ये काजल थोड़ा सा ही खोलना होता है, ज़्यादा नहीं खोलना होता, नहीं तो फिर वो टूट जाता है अंदर। जो हमारी लोअर वाटर लाइन है ना, तो उसको हमें पहले अच्छे से स्मज करना है। कोई भी काजल ले सकते हो, ये 40 रुपये का मुझे लगभग पड़ा था, मीशो से 4 आए थे 96 के। मैंने लिंक वगैरह आगे जाकर दिया हुआ है, या मेरे बायो में भी आप चेक कर सकते हो। तो ये अंदर की जो वाटर लाइन है ना, इसको मैं अच्छे से स्मच करूँगी। ये डार्क है पर ये वाटर प्रूफ नहीं है, बिगनर्स के लिए पर बहुत अच्छा है। इतना किफ़ायती काजल आपको कहाँ मिलेगा 40 रुपये में, तो अच्छा भी है, डार्क भी, ऐसी बात नहीं कि लाइट है। तो इसको बैक एंड फोर्थ थोड़ा करके फिर हम इस तरह से जो लोअर हमारी वाटर लाइन है उसको अच्छे से स्मच करेंगे। ध्यान रखना आँख में नुकसान ना पहुँचाइए। ये थोड़ा तीखा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर काजल्स। उसके बाद जो अपर वाटर लाइन है इसको स्मच करेंगे इस तरह से। लोगों को स्टेप पता ही नहीं होता, तो वो करते ही नहीं अपर वाटर लाइन, कई मैंने देखा स्टूडेंट्स। तो टाइट लाइन करके, आंखें बंद करके हम अपर वाटर लाइन को आसानी से स्मच कर सकते हैं, मेक श्योर कोई इंजरी ना हो। उसके बाद जो जो लोअर हमारी लैश लाइन है, ये देखिए वाटर लाइन भी इस तरह से हो जाएगी, और जो हमारी लोअर लैश लाइन है इसको स्मच करेंगे। तो आप लाइन भी कर सकते हो, ब्लेंडेड पैटर्न में भी कर सकते हो। और इसी से ही मैं, जितना मोटा आप चाहे आप उतना विड्थ इसकी रख सकते हो। मैं अपना आईलाइनर भी लगा लूँगी, बिकॉज बोल्ड लुक है तो इसमें आईलाइनर लगता ही लगता है, वरना उसके बिना ये काजल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ करके देखिए कितनी आसानी से, सॉफ्ट है बहुत ये काजल, पर आँख के अंदर थोड़ा चुभता है, मैंने इतना देखा है। बट विथ प्रैक्टिस आप देखोगे आपके लिए बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर लोगे। और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत मुझे ठीक लगा, बट ये वाटर प्रूफ नहीं है, इसका ये डिसएडवांटेज है। देखिए कितना इजी लगा। तो इस तरह से हम बोल्ड लुक बना सकते हैं, सामने से पीछे की तरफ लेके जाएंगे ना तो इजीली लाइन आप बना सकते हैं। इस तरह से सारा अच्छे से हम आइस को कर देंगे। ये बोल्ड लुक काफ़ी ट्रेंड में है, बेस वगैरह लगाने के बाद लोग ज़्यादा मेकअप करते ही नहीं है जब कोई नॉर्मल पार्टी वगैरह में, तो ये लुक बहुत अच्छा है इसके लिए। तो बोल्ड काजल लुक अगर आप बनाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो इस तरह से आप इस काजल से, कोई भी काजल हो, टेक्निक सेम ही है। ये बिगनर्स के लिए स्पेशली मैं एक बहुत अच्छा मुझे काजल लगा, तो सोचा इसके साथ ही आपको करके दिखाऊं। हालांकि मेरे पास दूसरा काजल भी है। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने बना लिया, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती, बट आप ये कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया हो किस तरह से काजल लगाना है वाटर लाइन्स पे और लैश लाइन्स पे। और अपर लैश लाइन और काजल के बीच में कभी कोई गैप मत रखना, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। ये रहा लिंक इस काजल का जो मैंने मीशो से मंगवाया था।